हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सरिता और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस इम्यूनिटी बूस्टर की रेसिपी, यानी कि आयुष मंत्रालय बताए हुए काढ़े की रेसिपी, जो आपके शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेगा। जब तक COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस की दवाई नहीं आती है, तो आपको क्या करना है, अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाए रखना है ताकि कोई वायरस हम तक ना पहुंचे। तो इसकी रेसिपी किस तरह से है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ, तो ज़रूर देखिएगा, एंड तक स्किप मत करेगा। और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो आगे देखते हैं इस काढ़े की रेसिपी, और आप इसे ज़रूर एक से दो बार दिन में ज़रूर पिएं, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है ये। आयुष मंत्रालय द्वारा बनाया गया काढ़ा किस तरह से बनाना है, उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले तुलसी के पत्ते, 8 से 10 तुलसी के पत्ते हम यहाँ लेंगे, 4 से 5 काली मिर्ची यानी कि ब्लैक पेपर, ये है ड्राई जिंजर पाउडर, आप इसको स्किप करके फ्रेश जिंजर भी ले सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर रहेगी। और यहाँ पर है सिनेमन यानी कि दालचीनी, ये है 2 तरह के मुनक्खे, ये है काला मुनक्खा और ये है लाल। तो आयुष मंत्रालय ने हमें अभी सजेस्ट किया है कि हम काले मुनक्खा का यूज़ करें, इसका यूज़ ना करें, आप काले मुनक्खा ही मार्केट से बोलकर लाएं। और इसको इंग्लिश में रेजन्स भी बोलते हैं, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। तो हम जो घर में रेजन्स यूज़ करते हैं वो इस तरह की होती है जो हम अपने डेजर्ट्स में डालते हैं, अपनी मिठाई बनाने के लिए हलवा खीर वगैरह जो बनाते हैं उसमें हमें डालते हैं, उसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। तो आप मुनक्का कहकर ही इसको मार्केट से लाएं। यहाँ पर अभी हम लेंगे 1 कप मैंने पानी लिया है, तो यहाँ पर अभी हम 1 कप पानी को गैस पर फ्लेम ऑन करके अभी डालते हैं। तो हमने गैस पे ये बर्तन रख लिया और मैंने 1 कप पानी डाल दिया है। पानी उबलते के साथ ही आप इसमें ये जो सारा सामान मैंने आपको बताया है इसको आप डालें। मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा कूट लेती हूँ सब सामान को। ये देखिए, जब तक पानी उबलता है मैं इसको दरदरा कर लेती हूँ। काली मिर्ची और सिनेमन जो है, दालचीनी जो है, इसको मैं इसे थोड़ा सा दरदरा कर लेती हूँ। मैं तुलसी के पत्ते जो है इन्हें भी डालकर इसमें हल्के से दरदरा कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने दरदरा कर लिया और यहाँ पर मैंने अपनी अदरक को भी ग्रेट कर लिया। इसको अब हम पानी में डाल देते हैं। ये देखिए, मैंने 8 से 10 तुलसी के पत्ते भी ग्राइंड कर लिए थे, तो उनका कलर बहुत अच्छा आया है। अर्क जो होता है तुलसी के पत्तों का, वो पूरी तरह से पानी के अंदर जाना चाहिए, यानी कि जो भी हमने डाला है वो पूरा इसके अंदर जो अर्क यानी कि जूस जो होता है वो अच्छे से इसके अंदर जाना चाहिए। ये है मुनक्खा, इनको भी मैंने तोड़ दिया है और इसको भी मैंने पानी में डाल दिया है। इसको अभी हम ढक देंगे लेड से, इसके लेड से, तो इसका ढकना बहुत ज़रूरी है। इसको आप ढक दें जब तक आपका जो पानी है वो आधा नहीं हो जाता जलकर, तो हल्का सा ज़्यादा फ्लेम, बहुत ज़्यादा हाई करके ना इसको बॉईल करें, लो फ्लेम पर, ज़्यादा लो भी नहीं ज़्यादा हाई भी नहीं, मीडियम फ्लेम पर आप इसको इस तरह से डाल के सभी चीज़ें आप इसको ढक दें और आप इसको एक बीच बीच में चेक करते रहें और देखते रहें जब पानी आधा हो जाए। देखते हैं अभी हमारा कितनी देर में होता है। तो अभी हम बीच में एक बारी चेक कर लेते हैं इसको। ये देखिए, अच्छे से खूब उबल रहा है पानी, अभी आधा नहीं हुआ है, तो हम इसको वापस अभी ढक देते हैं। तो अभी मैंने ढक दिया, अभी इसमें टाइम लगेगा। मीडियम फ्लेम पर इसको 2 से 3 मिनट हो गए हैं, तो अभी हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए कि काफ़ी, हाँ, आधा हो चुका है। तो अभी हम इसको गैस को ऑफ कर देते हैं। पर इससे पहले, अगर ये थोड़ा तीखा होता है पीने में, तो आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा पीस जैगरी का डाल सकते हैं, नेचुरल शुगर होती है जैगरी, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं थोड़ा सा टेस्ट को इंक्रीज करने में, या तो फिर आप इसके अंदर एक लेमन नींबू भी डाल सकते हैं अपना टेस्ट इन्हांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो आपकी विश है कि आप नींबू डालें या जैगरी डालें, दोनों में से एक चीज़ डाल सकते हैं। और अभी हम इसको स्ट्रेन कर लेते हैं मग में। ये देखिए, मैंने इसको छान लिया है, ये जो मुनक्खा है इसको आप निकाल के खा सकते हैं, ये मीठे होते हैं और ये आपका जो है इम्यूनिटी बूस्टर रेडी हो गया है। आप इसको दिन में 1 से 2 बार ज़रूर पिएं, तो आपको बहुत ही आराम मिलेगा। आपको नॉर्मल सर्दी खांसी होती है, तभी भी बच्चों को होती है, तो आप इसको 2 से 3 चम्मच गर्म दूध में बॉयल करके भी दे सकते हैं, और वैसे भी आप इसे, बड़े लोग तो इसे वैसे भी पी सकते हैं। आपकी इच्छा है इसमें आप जैगरी डालना चाहें या नींबू डालना चाहें, टेस्ट के अकॉर्डिंग है, आप कुछ भी डालकर इसको पी सकते हैं। और मैंने दिखाया था कि ये जो मुनक्खा होते हैं, देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको, इसको आप खा सकते हैं आराम से। तो इसको आप बिल्कुल भी
फेंके नहीं, इसको आप खा ले निकाल कर, और इस काढ़े को, इम्यूनिटी बूस्टर को आप आराम से पिए। और अगर आपके बच्चों को घर में सर्दी खांसी नॉर्मल फ्लू भी होता है तो इसमें से 2 से 3 चम्मच बच्चों के आप मिल्क में दूध में डालकर उबालकर उनको दे सकते हैं और आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।